हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलएस अकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इन टुडेज वीडियो विल डिस्कस इन न्यूमेरिकल दैट इज बेस्ड ऑन द एलजेब्रिक प्रोडक्ट, बाउंडेड प्रोडक्ट एंड ड्रास्टिक प्रोडक्ट इन फजी सेट्स। फजी सेट्स में किस तरीके से हम एलजेब्रिक प्रोडक्ट, बाउंडेड प्रोडक्ट एंड ड्रास्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये न्यूमेरिकल आपका AKTU के एग्जामिनेशन 2018-19 में पूछा गया है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन क्या है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट ए एंड बी आर टू फजी सेट्स गिवन बाई। दो फजी सेट्स हैं ए और बी, और उनकी मेंबरशिप वैल्यू दी हुई है दोनों सेट्स की। ए सेट है फजी सेट, उसमें जो पहला एलिमेंट है एक्स वन, उसकी मेंबरशिप वैल्यू 0.2 है। एक्स टू की वैल्यू 0.3 है। एक्स थ्री की वैल्यू 1 है। एक्स फोर की वैल्यू 0.5 है। एक्स फाइव की वैल्यू 0.1 है। इसी तरीके से एक दूसरा फजी सेट दिया गया है बी, जिसके पहले एलिमेंट एक्स वन की वैल्यू 0.0 है, दूसरे की वैल्यू 0.3 है एक्स टू की, एक्स थ्री की वैल्यू 0.6 है, एक्स फोर की वैल्यू 0.7 है और एक्स फाइव की वैल्यू 0.9 है। और आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है फाइंड द एलजेब्रिक प्रोडक्ट, बाउंडेड प्रोडक्ट और ड्रास्टिक प्रोडक्ट। काफ़ी इजी न्यूमेरिकल हैं, इनकी जस्ट हमें फार्मूले पता होने चाहिए और हम इजीली इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एलजेब्रिक प्रोडक्ट किस तरीके से निकलेगा। तो एलजेब्रिक प्रोडक्ट या AP निकालने का फार्मूला क्या है, माइक्रो एलजेब्रिक प्रोडक्ट इक्वल टू माइक्रो AX और माइक्रो BX। जो भी A और B फजी सेट्स हैं, इनमें जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं X1, X2, X3, X4, X5, उनकी मेंबरशिप वैल्यूज़ का क्या निकालना है, हमें सिर्फ डॉट प्रोडक्ट निकालना है। यानी एलजेब्रिक प्रोडक्ट निकालने का क्या तरीका है कि दोनों सेट्स में जो भी एलिमेंट दे रखे हैं उनकी वैल्यूज़ का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये प्रोडक्ट कर लीजिए, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो फार्मूला क्या है, माइक्रो एलजेब्रिक प्रोडक्ट इक्वल टू माइक्रो AX डॉट माइक्रो BX। ठीक है, तो किस तरीके से निकाला है हमने AP एलजेब्रिक प्रोडक्ट। सबसे पहले X1, ये X1, 0.2 और 0.0 का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 0.0, ये आपकी कैलकुलेट हो गया आगे वैल्यू। दूसरा क्या है, X2 में 0.3 और 0.3 है, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 0.09 आ गई X2 की वैल्यू। तीसरा आप देखिए, X3 की वैल्यू 1 है और यहाँ पर X3 की वैल्यू 0.6 है, 0.6 इंटू 1 0.6 आ गया X3 की वैल्यू। यहाँ पे देखिए X4 0.5 है या 0.7 है, दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया 0.5 और 0.7 का 0.35 आ गया। इसी तरीके से X5 की वैल्यू यहाँ 0.1 है या 0.9 है, दोनों का मल्टीप्लाई किया वैल्यू कितनी आ गई 0.09 आ गई। इस तरीके से वेरी सिंपल मेथड है, वी विल ईजिली कैलकुलेट द एलजेब्रिक प्रोडक्ट ऑफ बोथ दिस टर्म्स। ठीक है, तो एलजेब्रिक प्रोडक्ट निकालने के बाद दूसरा क्या पूछा गया है, बाउंडेड प्रोडक्ट किस तरीके से निकलेगा। तो बाउंडेड प्रोडक्ट निकालने का फार्मूला है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जीरो में और माइक्रो AX प्लस माइक्रो BX माइनस 1 इसकी वैल्यू में, जो भी मैक्सिमम होगा वो आपका रिजल्ट होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम माइक्रो AX प्लस माइक्रो BX की वैल्यू निकालेंगे। वो आपकी कैसे निकलेगी, वो आपकी निकलेगी ये जो दोनों सेट्स हैं इनमें एलिमेंट्स की वैल्यू को ऐड करने से। भाई माइक्रो AX प्लस माइक्रो BX कैसे निकलेगा, जो भी एलिमेंट दे रखे हैं इनकी वैल्यू को ऐड कर दीजिए और जो रिजल्ट आए उसमें से माइनस 1 कर दीजिए। ठीक है, और माइनस 1 जब कर देंगे उसके बाद किससे कंपेयर करेंगे, उसे जीरो से। ठीक है, जीरो में और इस पूरे रिजल्ट की वैल्यू में जो भी बड़ा होगा, जो भी मैक्सिमम होगा, वो आपके बाउंड्री प्रोडक्ट में आएगा। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या कैलकुलेट किया है, माइक्रो AX प्लस माइक्रो BX, माइक्रो AX प्लस माइक्रो BX इसको निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा, X1 है, 0.2 में 0.0 ऐड किया कितना आ गया 0.2। ठीक है, 0.3 में 0.3 ऐड किया कितना आ गया 0.6। 1 में 0.6 ऐड किया कितना आ गया 1.6। 0.5 में 0.7 ऐड किया कितना आ गया 1.2। और X5 के लिए देखिए 0.1 में 0.9 ऐड किया कितना आ गया 1। इसमें से क्या निकाल रहे हैं, माइक्रो AX प्लस माइक्रो BX ये आ गया, इसमें से माइनस 1 और कर दीजिए, माइनस 1 और कर दीजिए, तो कितना आएगा X1, 0.2 में से माइनस 1 गया माइनस 0.8, 0.6 में से माइनस गया 0.4, 1.6 में से 1 गया 0.6, 1.2 में से 1 गया 0.2 और 1 में से 1 गया 0। तो X1, X2, X3, X4, X5 की वैल्यू ये आ गई इस एक्सप्रेशन की, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जीरो में
और इस सेट की वैल्यूज में देखना है कौन सा बड़ा है, जीरो में और इसकी जो वैल्यू आ रही है ये वाली, इसमें बड़ा कौन है। तो आप देखिए सबसे पहले वो आपका क्या देगा, बाउंडेड प्रोडक्ट। देखिए मैक्सिमम किस में, जीरो में और माइनस पॉइंट वेट में, कौन बड़ा है, जीरो बड़ा है। तो एक्स वन की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। एक्स टू के लिए देखिए जीरो में और माइनस पॉइंट फोर में कौन सा बड़ा है, जीरो बड़ा है। तो एक्स टू की वैल्यू जीरो आ गई। फिर देखिए एक्स थ्री आपका कितना है, ये एक्स थ्री पॉइंट सिक्स है और ये कितना है, जीरो। जीरो और पॉइंट सिक्स में कौन बड़ा है, पॉइंट सिक्स। तो एक्स थ्री की वैल्यू कितनी आ गई, पॉइंट सिक्स। एक्स फोर देखिए, एक्स फोर यहाँ पॉइंट टू है, यहाँ जीरो है, कौन बड़ा है, पॉइंट टू। तो एक्स फोर की वैल्यू पॉइंट टू आ गई। ठीक है, फिर आते हैं एक्स फाइव पे, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, तो मैक्सिमम कौन सा हुआ, जीरो। तो एक्स फाइव की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो ये आपका क्या निकल गया, बाउंड्री प्रोडक्ट निकल गया। ठीक है, तो बाउंड्री प्रोडक्ट आपको क्लियर हो गया किस तरीके से हमने निकाला है। पहले हमने माइक्रो एक्स प्लस माइक्रो बी एक्स निकाला, दोनों की वैल्यू को ऐड करके, उसके बाद उसमें से वन सबट्रैक्ट किया, ये आ गया रिजल्ट। फिर हमने देखा जीरो में और इन वैल्यूज में कौन सा बड़ा है, जो बड़ा है वही आपका आंसर के एलिमेंट में आ जाएगा। लास्ट आते हैं हम ड्रास्टिक प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। ड्रास्टिक प्रोडक्ट निकालने का फार्मूला है कि अगर माइक्रो बी एक्स की वैल्यू वन है, अगर फजी सेट बी में किसी एलिमेंट की वैल्यू वन है, तो रिजल्ट किसके इक्विवेलेंट होगा, जो सेट ए में वैल्यू होगी उसके इक्विवेलेंट होगा। और अगर माइक्रो ए एक्स की वैल्यू वन है, यानी ए सेट में किसी एलिमेंट की वैल्यू वन है, तो रिजल्ट किसके इक्विवेलेंट होगा, ड्रास्टिक प्रोडक्ट बी की वैल्यू के, माइक्रो बी एक्स के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर, अगर बी का कोई एलिमेंट, बी सेट का कोई एलिमेंट की वैल्यू वन है, तो रिजल्ट ए के इक्विवेलेंट होगा। और रिजल्ट अगर फजी सेट ए का कोई एलिमेंट वन है, तो रिजल्ट किसके इक्विवेलेंट होगा, बी सेट में जो एलिमेंट है उसके इक्विवेलेंट। और अगर फजी सेट ए और फजी सेट बी दोनों के एलिमेंट्स की वैल्यू किस किस के बीच लेस देन क्या है, वन है। अगर फजी सेट ए और फजी सेट बी दोनों में जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू अगर लेस देन वन है, तो ड्रास्टिक प्रोडक्ट उसके लिए क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, तो हमें क्लियर हो गया, अगर वैल्यू लेस देन आती है दोनों सेट में से, तो रिजल्ट जीरो होगा। और अगर जिस सेट, इसके अलावा जिस सेट की भी वैल्यू वन होगी, रिजल्ट किसके इक्विवेलेंट होगा, दूसरे सेट के इक्विवेलेंट होगा। आपको इजीली समझ में आ जाएगा, देखते किस तरीके से हम कैलकुलेट। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए, ये ए और बी सेट है आपके फजी सेट, ये आपका फजी सेट ए है, फजी सेट बी है। सबसे पहले एक्स वन एलिमेंट की वैल्यू निकालते हैं, एक्स वन की वैल्यू यहां पर क्या है, आपकी वैल्यू 0.2, भाई ये वैल्यू क्या है, 0.2 है, ये कितनी है, जीरो है। दोनों ही क्या है, एक्स वन इसका ए फजी सेट ए का एलिमेंट और एक्स वन फजी सेट बी का एलिमेंट, दोनों की वैल्यू क्या है, लेस देन वन है। दोनों की वैल्यू क्या है, लेस देन वन। दोनों की वैल्यू क्या है, ए और बी दोनों के एलिमेंट की वैल्यू क्या है, लेस देन वन। तो रिजल्ट किसके इक्विवेलेंट होगा, ड्रास्टिक प्रोडक्ट जीरो के। इसलिए एक्स वन की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। क्यों, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू लेस देन वन है, तो देखिए जीरो आ गया। ठीक है, अब आते हैं एक्स टू पे, एक्स टू की वैल्यू देखिए, यहाँ भी पॉइंट थ्री है, यहाँ भी पॉइंट थ्री है, दोनों ही वैल्यू क्या आ रही हैं, लेस देन वन आ रही हैं। इसके अंदर ड्रास्टिक प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। देखिए एक्स टू की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। ठीक है, अब आते हैं एक्स थ्री पे, एक्स थ्री में देखिए यहाँ पे वैल्यू वन है या पॉइंट सिक्स है, तो किसके लिए वैल्यू वन है, फजी सेट ए के लिए वैल्यू वन है। भाई एक्स थ्री की वैल्यू फजी सेट ए के लिए क्या है, वन। और ये क्या कहता है, अगर किसी भी एलिमेंट की वैल्यू फजी सेट ए के लिए वन है, अगर फजी सेट ए के लिए वन है, तो रिजल्ट किसके इक्विवेलेंट होगा, जो बी की वैल्यू होगी। अगर फजी सेट ए में इसकी वैल्यू वन है, तो रिजल्ट किसके इक्विवेलेंट होगा, जो बी में वैल्यू दे रखी होगी, किसकी, एक्स थ्री की। तो एक्स थ्री की बी में वैल्यू कितनी है, पॉइंट सिक्स। तो आंसर एक्स थ्री के लिए कितना होगा, पॉइंट सिक्स होगा। क्यों, क्योंकि अगर सेट ए में वैल्यू वन है, तो रिजल्ट किसके इक्विवेलेंट होगा, ड्रास्टिक प्रोडक्ट, जो बी में वैल्यू दे रखी है उस एलिमेंट, इसलिए पॉइंट सिक्स आया है। ठीक है, अब एक्स फोर देखते हैं, एक्स फोर में देखिए पॉइंट फाइव और पॉइंट सेवन है, पॉइंट फाइव और पॉइंट सेवन दोनों क्या है, लेस देन वन है। माइक्रो एक्स माइक्रो बी एक्स दोनों की वैल्यू लेस देन वन है, दोनों की वैल्यू अगर लेस देन वन है, तो रिजल्ट किसके इक्विवेलेंट होता है, ड्रास्टिक प्रोडक्ट जीरो के। इसलिए एक्स फोर की वैल्यू क्या है, जीरो है।
लास्ट आते हैं हम एक्स फाइव पे, यहाँ पर क्या है पॉइंट वन, यहाँ पर क्या पॉइंट नाइन, दोनों की वैल्यू क्या है लेस देन वन है, और दोनों की वैल्यू अगर लेस देन वन है तो रिजल्ट किसके इक्विवेलेंट होगा जीरो के, इसलिए एक्स फाइव की वैल्यू क्या आएगी जीरो आएगी, तो एक्स फाइव की वैल्यू क्या आएगी जीरो आएगी। इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ड्रास्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, काफ़ी ईजी न्यूमेरिकल है किस तरीके से हमने सॉल्व किया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।